तो जैसा कि यहाँ पर हर वीडियो में आपको बताते हैं कि मैंने कोई भी यहाँ पर सर्किट बनाते हैं ना, तो उसमें कैपेसिटर का जरूर यूज किया जाता है। तो मेरे पास अभी देख सकते हैं, मेरे पास सब तरह का कैपेसिटर है जो कि हम हर वीडियो में एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको ये चीज पता है कि कैपेसिटर किस तरीका से काम करता है? सभी लोग को ये चीज पता है कि कैपेसिटर जो है कि सिर्फ हम लोग इसको जो है कि फिल्टर करते हैं, यानी कि कोई भी सप्लाई को हम लोग जो है कि फिल्टर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप चाहें तो कोई भी अलग अलग तरीका से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास जो है कि 4725 वोल्ट का कैपेसिटर है जो कि ये वाला है, ठीक है, इस टाइप का होगा। और यहाँ पर देखिए 470 का युवक 25 वोल्ट का है जो कि यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर 4700 युवक रहे या फिर यहाँ पर जो है कि 25 वोल्ट रहे या फिर वहाँ पर 16 वोल्ट रहे, 50 वोल्ट रहे। जैसा कि मेरे पास ये वाला भी देख सकते हैं दोस्तों, 4700 में यहाँ पर 50 वोल्ट है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर नीचे है, जो हम लोग कोई भी सर्किट में यहाँ पर यूज करते हैं, तो कभी कभी क्या यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है ना कि यहाँ पर जो है कि क्या हम 470 युवक का यूज कर सकते हैं या फिर 4700 का जगह यहाँ पर 2200 युवक का यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो चलिए इस वीडियो में आपको क्लियर बताएंगे। और कैपेसिटर में क्या जो हम लोग सिर्फ यहाँ पर फिल्टर का काम ले सकते हैं या फिर और भी कोई हम लोग काम ले सकते हैं, ये भी चीज आपको यहाँ पर क्लियर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये चीज समझना होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास मान लीजिए कि यह 4700 युवक में 25 वोल्ट का जो कैपेसिटर है, तो इसका यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नॉन पोलराइज नहीं है दोस्तों, ये पोलराइज कैपेसिटर होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एक नॉन पोलराइज होता है जो कि वो अलग चीज हो गया, ये यहाँ पर पोलराइज है। तो इसमें क्या है कि आपको माइनस प्लस आपको देख के रखना होगा, जैसा कि ये साइड में प्लस हो जाता है या ये साइड में, यानी कि देखा जाता है यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो हमने अलग अलग यहाँ पर बना लिया है, क्योंकि कैपेसिटर का लोगो कुछ इस तरीका से होता है दोस्तों, उसका आइकन, इसलिए हमने इस तरीका से यहाँ पर बना लिया है, बाकी आपको यहाँ पर समझ लेना है। वैसे कैपेसिटर देखिएगा तो उसका कुछ अलग सा मार्किंग होता है, वहां पर पट्टी होता है, एक फुल पट्टी होता है, एक ब्लैक पट्टी होता है, जो कि वहां पर माइनस का यहाँ पर सिंबल देता है। तो यहाँ पर जो है कि हमने इस तरीके से बना लिया है। तो चलिए यहाँ पर कैपेसिटर करता क्या है, मान लीजिए यहाँ पर जो है कि 4700 युवक है, तो यहाँ पर क्या है कि क्या आपको इसमें यह लगता है कि 4700 युवक में 25 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए 25 वोल्ट आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले रिप्लेसमेंट से शुरू करते हैं, मान लीजिए अगर आपको इसको रिप्लेसमेंट करना होगा तो आप कितना से करेंगे, जैसा कि यहाँ पर 25 वोल्ट है, यहाँ पर मान लीजिए कि हम 25 वोल्ट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। 25 वोल्ट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो इसमें क्या आपको करना पड़ेगा ना, जैसा कि 25 वोल्ट में अगर मान लीजिए हम इसको रिप्लेसमेंट करते हैं, तो रिप्लेसमेंट में हमको कितना यहाँ पर लेना होगा, जैसे कि जो हमने निकाला, जो पहले मेरा लगा हुआ था, ठीक है, तो लगा हुआ मान लीजिए यहाँ पर होगा आपको, यहाँ पर होगा आपको 100 वोल्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, 100 वोल्ट का आपको यहाँ पर लगा हुआ होगा। और अगर रिप्लेसमेंट करते हैं अगर आप इसके साथ, तो आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान दीजिएगा, आपको जो है ना कि इसके साथ में आपको अटैच नहीं करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर वोल्ट पकड़ना है ये, ठीक है, ये वाला आपको पकड़ना है। यहाँ पर अगर आप ये चीज पकड़िएगा दोस्तों, तो इसके बारे में बताएंगे कि ये यहाँ पर किस लिए रहता है, इसका जो योग होता है, जो माइक्रोफैराड हम लोग बोलते हैं, वो किस लिए होता है, किस तरीका से काम में आता है, वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो है कि इसके साथ में आप इसको जो है कि रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो 100 वोल्ट है, अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 25 वोल्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। और उसका बाद क्या होगा कि ये कैपेसिटर जो है कब गर्म होगा, गर्म होकर हीटिंग होने के बाद जो है कि ये खराब हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना है। चलिए इसका उल्टा रिवर्स में हम देखते हैं कि इसको क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर मेरा रिप्लेसमेंट है, ठीक है, रिप्लेस जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो रिप्लेस में उससे पहले जो मेरा लगा हुआ था ये वाला था, ठीक है, ये 25 वोल्ट का था। अब 25 वोल्ट के जगह में क्या मान लीजिए 4700 युवक है या फिर 470 युवक है, तो 25 वोल्ट के जगह में क्या हम 100 वोल्ट का ये लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं, ये भी यहाँ पर होता है, क्योंकि सर्किट में यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर कैपेसिटर लग सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है ना कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 25 वोल्ट पहले से था, तो इसको हमको रिप्लेसमेंट करके इसको लगाना है, ठीक है, ये 100 वोल्ट लगाना है। तो यहाँ पर जो है ना कि आप 100 वोल्ट बिल्कुल भी आसानी तरीके से लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि वोल्टेज ही इनपुट में जो भी वोल्टेज आ रहा है वो है यहाँ पर 25 वोल्ट, और इसका वोल्टेज यहाँ पर कितना है, 100 वोल्ट है। तो ये कैपेसिटर जो है कि बिल्कुल भी आसानी तरीका से ये काम करेगा, कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये चीज आपको क्लियर होगी। यानी कि आपको यहाँ पर क्लियर बोला जाए तो आपको जो है ना कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी सर्किट में यहाँ पर लगा हुआ है किसी भी चीज को, अगर मान लीजिए इनपुट में आ रहा है 25 वोल्ट, इनपुट में 25 वोल्ट आ रहा है, तो वहां पर जो कि 50 वोल्ट, यानी कि आपको 25 वोल्ट से ऊपर, आपको 25 वोल्ट से ऊपर यहाँ पर यूज करना है, उससे कम यूज नहीं करना है, नहीं तो ये कैपेसिटर जो कि फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसी तरीका से कहना सेम है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 100 वोल्ट आ रहा है और आपको उसको फिर 100 वोल्ट के जगह पर 25 वोल्ट लगाना है, तो जहां पर इनपुट में अगर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो कम वोल्टेज में आप वहां पर नहीं लगाइएगा, कोई भी चीज में नहीं लगाइएगा। अब चलिए बात करते हैं
इसका बात यहाँ पर छोड़ते हैं। अब बात करते हैं इसका जो यूएफ होता है यानी कि जो इसका माइक्रोफैरेट होता है वो किस लिए होता है, ठीक है, वो किस तरीका से काम करता है। इसका जो माइक्रोफैरेट होता है दोस्तों यहाँ पर देखा जाना, तो देखिए एक एग्जांपल टाइप से आपको बता दें, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको सिर्फ हम लोग जो है ना कि फिल्टर ही करें, ठीक है, मतलब कोई भी सप्लाई को हम लोग फिल्टर के लिए वैसा लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी आप देखिएगा कोई भी सप्लाई में बड़ा बड़ा एम्पलीफायर में देखिएगा या फिर मोबाइल का चार्जर में देखिएगा, वहां पर एक जगह में आपको 3-4-5 कैपेसिटर आपको लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, कहीं पर आपको 4 भी यहाँ पर मिल सकता है, कहीं पर आपको 5 भी मिल सकता है, कहीं पर आपको 9 भी मिल सकता है। तो इसका लगाने का मतलब क्या हुआ, जो कि एक ही कैपेसिटर जो है कि यहाँ पर ये काम कर सकता है, तो यहाँ पर इतने सारे का मतलब क्या हुआ। तो कभी कभी क्या करता है ना कि ये इतना कैपेसिटर यहाँ पर मिल करके दोस्तों अगर मान लीजिए कि इसका 470 यूएफ है, तो यहाँ पर जो है कि वोल्टेज को वहां पर जो है कि वो अपने अंदर भी रखता है, यानी कि एक देखा जाए ना तो बैटरी की तरह भी काम करता है, जैसा कि फैन में लगा हुआ एक कंडेंसर होता है, ठीक है, उसका पावर जितना भी हो कंडेंसर होता है, उस तरीका से जो है ना कि अपने अंदर ये वोल्टेज को कुछ रखता है। एग्जाम्पल तौर पे आपके हिसाब से यहाँ पर समझाने का कोशिश करेंगे, मान के चलिए यहाँ पर आपका कोई भी एक स्पीकर है, ठीक है, ये आपका स्पीकर है, और यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर सप्लाई दे दिए, चलिए यहाँ पर क्लियर तरीका से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ सके। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, कोई भी जरूरी यहाँ पर नहीं है कि कैपेसिटर का काम सिर्फ उसी तरीका से लिया जाए, आप चाहें तो हर एक तरीका से ले सकते हैं। जैसा कि अभी स्टेप्लायर में भी आप देखिएगा, अभी का जो स्टेप्लायर आ रहा है, जो एसी का स्टेप्लायर आ रहा है दोस्तों, उसमें क्या आना है कि आपको टाइमर के लिए जो है कि कैपेसिटर का यूज किया जा रहा है, उसका यूएफ का द्वारा, वोल्टेज तो फिक्स होता है, यूएफ का द्वारा जो है कि उसका टाइमिंग जो है सेट किया जा रहा है, और अगर आपका कैपेसिटर खराब हो रहा है तो वहां पर जो कैपेसिटर का जो उसका टाइमिंग है वो कम जा रहा है, कभी कभी तो वो टाइमिंग पे आउटपुट दे ही नहीं रहा। ये चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है ताकि यहाँ पर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप रिपेयर भी कर सकते हैं, कोई भी सर्किट भी बना सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो जैसा कि ये मेरा एक स्पीकर हो गया दोस्तों, यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, मान के चलिए यहाँ पर ये सप्लाई है, कोई एक मतलब मान लीजिए 44-40 आईसी है या कोई सा भी आप मान सकते हैं, ठीक है, या होम थिएटर मान सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर क्या होगा 12-0 और यहाँ पर एक 12 आएगा, ठीक है, ये 12-0-12 का मान लीजिए हमने ट्रांसफार्मर ले लिए हैं, और इसका जो है कि मान लीजिए 2 एम्पियर भी हो सकता है, 3 एम्पियर भी हो सकता है, तो अभी यहाँ पर एम्पियर पे मत जाइए, यहाँ पर सिर्फ सप्लाई मान लीजिए 12-0-12, चलिए यहाँ पर हम 12 वोल्ट अगर ले लेते हैं या 12-0-12 भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर कैपेसिटर हमको क्या ले लेना है, मान लीजिए यहाँ पर 4700 यूएफ ले लिया, 25 वोल्ट ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से हमको वोल्ट कितना मिला 12-0-12, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 0 को जरूर यूज करते हैं इसको, 12-0-12 क्योंकि यहाँ पर 0 हम लोग यूज करते हैं। और वहां पर देखिएगा ना सप्लाई, कभी कभी कोई सा होम थिएटर में देखिएगा ना सप्लाई आपको 2 तरीका का मिलेगा, क्योंकि एक यहाँ पर नेगेटिव और एक पॉजिटिव में कैपेसिटर जो है कि यहाँ पर कनेक्शन होता है, क्योंकि इसका एक पॉइंट जो है डायरेक्ट यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि एक यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर चलता है और एक पॉजिटिव तरफ से चलता है, इस तरीका से भी चलता है, लेकिन आपको यहाँ पर सिंपल तरीका से बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से 12-0-12 से 12 वोल्ट हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है, या एम्पियर 2 एम्पियर का भी कितना भी हो सकता है, और इसमें हमको ये जो इनपुट जो यहाँ से जा रहा है दोस्तों, इनपुट हमने कहाँ दिया इस कैपेसिटर को, ठीक है, मान लीजिए चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है कि मान लीजिए इनपुट हम दे दिया, ठीक है, एक इनपुट मान लीजिए यहाँ से दे दिया और एक इनपुट यहाँ से दे दिया, तो कैपेसिटर यहाँ पर क्या कर रहा है, फिल्टर भी कर रहा है, फिल्टर करने के साथ साथ क्या कर रहा है, इसके जो जिसका जो करंट है दोस्तों वो अपने अंदर भी यहाँ पर रखे हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई भी मतलब जैसा कि करंट हम लोग का जो बाहर से जो 220 वोल्ट एसी जो डायरेक्ट आ रहा है, अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए वो ब्रेक भी होता है यहाँ से 12-0-12 से, यानी कि बाहर के इनपुट से थोड़ा देर के लिए कुछ सेकंड के लिए, तो ये जो है ना कंट्रोल कर देगा आपको यहाँ पर स्पीकर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि हम लोग अगर वूफर यूज करते हैं ना, तो कभी कभी आप देखे होंगे कोई भी एम्पलीफायर में या कोई भी चीज में अगर सप्लाई आपका अगर कमजोर है, यानी सप्लाई का बोला जाए दोस्तों ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर आपका कमजोर है, कैपेसिटर वहां पर इसी के चलते सिंगल कैपेसिटर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जब भी वहां पर वूफर करता है ना तो वहां पर एम्पियर लेता है, ठीक है, एम्पियर लेता है, तो वहां पर करंट जब यहाँ पर कंज्यूम करता है, तो करंट जैसे ही वहां पर कंज्यूम करेगा तो वहां पर क्या होता है ना कि कैपेसिटर वहां पर काम करता है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफार्मर पर पूरा पूरी लोड नहीं जाने देता है, कुछ अपने अंदर करंट रहता है जो बाईपास करता है इस तरीका से, वो इस स्पीकर की तरफ यानी कि अपने सर्किट की तरफ बाईपास करता है, तब जाकर के जो है कि ये सर्किट कंप्लीट अच्छा तरीका से काम करता है। तो इसी के कारण जो है कि यहाँ पर 2-3 होम थिएटर में देखिएगा आपको 2 कैपेसिटर तो आपको 100% यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इसके चलते। अभी चलिए ये तो हमने आपको इसलिए बताया जहाँ पर लो है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, एक वीडियो में हमने बताया दोस्तों, शायद आपको ध्यान में नहीं होगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, अगर देखेंगे खोजेंगे अगर मिल जाता है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। वहां पर क्या हमने किया है
कि एक हमने लिया है यहाँ पर 7805 का, एक हमने दोस्तों यहाँ पर आईसी ले लिया है, ठीक है। 7805 हमने आईसी लिया है, तो आप लोग यहाँ पर जानते हैं 7805 आईसी यहाँ पर काम क्या करता है। यहाँ पर जो है कि हम लोग को 12 वोल्ट इनपुट देना होता है, और जैसे ही 12 वोल्ट इनपुट देते हैं तो हम लोग को ये कितना देता है, ओनली यहाँ पर दोस्तों 5 वोल्ट यहाँ पर जो है कि आउटपुट करता है, ठीक है, 7805 में अगर हम देते हैं। लेकिन इसका एम्पियर कितना आपको पता है? एम्पियर दोस्तों बहुत सारे लोग को यहाँ पर पता भी होगा, जो भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शायद उनको भी पता होगा एम्पियर इसका है। देखिए एम्पियर इसका निकलता है 1.5 इसका एम्पियर निकलता है, ठीक है, एम्पियर निकलता है, तो इसका 1.5 एम्पियर निकलता है। तो अगर यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो एक छोटा सा म्यूजिक क्लियर, एक छोटा सा जो बाजा होता है दोस्तों, उसको चलाने का कोशिश कीजिएगा इस 5 वोल्ट से। हाँ, ब्लूटूथ सर्किट आप इसको यूज कर सकते हैं, छोटा सा कोई भी किट वगैरह पैनल वगैरह आप चाहें तो इससे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अगर ब्लूटूथ बाजा भी यूज करके देखेगा तो यहाँ पर क्या है कि वोल्टेज तो आपको ये चीज तो आपको प्रॉपर मिलेगा, लेकिन आपको एम्पियर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 1.5 यहाँ पर एम्पियर, 1.5 एम्पियर यहाँ पर जो है कि ये आउटपुट करता है, उससे ज्यादा नहीं करता है। तो अगर यहाँ पर माना जाए दोस्तों कि ये 7805 आईसी का जो लेग होता है, चलिए आपको इस साइड में दिखा देते हैं, ठीक है, इस साइड में दिखा देते हैं। ये मान लीजिए कि आपका यहाँ पर ये 3 लेग हो गया, ठीक है, 1, 2, 3, तो ये तो इसका इनपुट हो जाता है, ठीक है, ये इसका इनपुट हो गया, ये इसका ग्राउंड हो गया, यानी कि ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये जो इसका बचा ये इसका आउटपुट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए इसके आउटपुट में दोस्तों इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पर अगर इस जगह पर आप इस तरीका से कैपेसिटर आप यहाँ पर लगा देते हैं, कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, कैपेसिटर का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पर 4700 यहाँ पे हम दे देते हैं दोस्तों, 4700, ठीक है, वोल्ट यहाँ पर मान लीजिए 25 वोल्ट यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, 25 वोल्ट यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा ना कि इसका एम्पियर जो है ना, अब इसका सही तरीका से एम्पियर जो है कि काम करेगा इसके आउटपुट में। यह आईसी कितना है, 7805 है, ठीक है, 7805 है। तो यहाँ पर क्या करेगा ना कि अब इसका एम्पियर बढ़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमने किसी वीडियो में यहाँ पर बनाया है, ध्यान नहीं है वहां पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप इसको देख लीजिएगा। अब जो है कि ये प्रॉपर तरीका से काम करेगा। तो कैपेसिटर का मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, काम कराने का तरीका आपको होना चाहिए कि कैपेसिटर काम किस तरीका से करता है, किस तरीका से हम उससे काम ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि कैपेसिटर का काम सिर्फ होता है यहाँ पर वोल्टेज को यहाँ पर फिल्टर करना होता है, और भी कुछ नहीं होता। बहुत तरीका से, टाइमर का तरीका से आप ले सकते हैं, उससे जो है किसी चीज को स्विचिंग करा सकते हैं, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके मन के मुताबिक जो है कि आप कर सकते हैं अपना हिसाब से, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पर सर्किट किस तरीके से देते हैं, इसी तरीके का आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको इसके मतलब जो है कि पता रहे। कोई भी सर्किट अगर हम बनाते हैं दोस्तों, तो आप वहां पर जो है कि अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमेंट आता है कि सर यहाँ पर ये चीज बताइए कि कैपेसिटर क्या हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो आप दोस्तों इस तरीके से हमने आपको बताया कि अगर उसका वोल्टेज में डिफरेंट करता है तो आपको इस तरीके से काम करना है, और बाकी अगर जो आप माइक्रोफैरड जैसे कि हम लोग लगाते हैं, कोई सर्किट अगर हमने टाइमिंग के लिए लगा रहा है, तो टाइमिंग में आपको क्या यहाँ पर पकड़ के चलना है, आपको वोल्टेज छोड़ देना है दोस्तों। वोल्टेज मान लीजिए अगर कोई भी सप्लाई हम यहाँ पर 10 वोल्ट दे रहे हैं और 25 वोल्ट का लगाया है, तो 50 वोल्ट भी लगा सकते हैं, 100 वोल्ट भी लगा सकते हैं, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं है। लेकिन मान लीजिए वहां पर अगर यूएफ हमने यहाँ पर 470 अगर यूज किया है, तो आप वहां पर 4700 यूएफ नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि 4700 यूएफ अगर मान लीजिए हमने टाइमिंग के लिए अगर यूज किया है, तो आपका टाइमिंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कि 470 हमने यूज किया ओनली 5 मिनट के लिए, लेकिन अगर आप इसको यूज कर लीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको आधा घंटा 40 मिनट का टाइमिंग यहाँ पर ले ले, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज और इसका जो यूएफ माइक्रोफैरड जो होता है वो किस तरीका से यहाँ पर डिफरेंट करता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पर समझ में आया होगा। बाकी अगर आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, आपको इन डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, जो भी होगा जो पर्सनली होगा उसको आप वहाँ पे कीजिएगा, बाकी नॉर्मल होगा कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका मन में सवाल होगा जरूर से यहाँ पर कमेंट करके ला देंगे। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों।